मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि तुला राशि वालों का मार्च 2023 कैसा व्यतीत होगा, कौन कौन सी आपको उपलब्धियां मिलेंगी, क्या क्या शुभ फल रहेंगे और क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये है मार्च के महीने का तुला राशि वालों का राशिफल। इस प्रकार की प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है। लग्नेश जो हैं ये आपके बैठे हैं छठे स्थान में, उच्च राशि में बैठे हैं, और उच्च राशि में बैठे हैं गुरु के साथ बैठे हैं, तो कई मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहली चीज, जिन व्यक्तियों के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, शत्रु उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो शत्रुओं का यहाँ पर बैठ करके आपके लग्नेश उनका दमन कर देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्रदेव ये अष्टमेश भी होते हैं, यानी कि आयु का डिपार्टमेंट भी लिए हैं और अपने स्थान से 11वें बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि विपरीत योग बन रहा है, जिसके प्रभाव से कोर्ट कचहरी से वाद विवाद से आपको लाभ होगा। इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, जो कि ये दर्शाता है कि यदि आप यात्राएँ करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, देश विदेश आप जा सकते हो। गुरु भी इनके साथ बैठे हैं और गुरुदेव भी अपना बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अपने उच्च की दृष्टि आपके कर्म भाव पे डाल रहे हैं, शुक्र का प्रभाव लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में मन मुताबिक आपको फल देखने को मिलेगा, नौकरी में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। दशम भाव हमारे बॉस उच्च अधिकारी का भी होता है, इसका मतलब ये रहा कि बॉस उच्च अधिकारी सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। इसके अलावा दशम भाव से हम मान सम्मान भी देखते हैं, तो ऐसे में मान सम्मान मिलना, ऊंचाइयां मिलना, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस होना, इस तरीके के रिजल्ट आपके लग्नेश और गुरुदेव दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अब बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो शिक्षा के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं और साथ साथ उच्च शिक्षा के स्वामी ये भी जो है पंचम भाव में बैठे हैं, नौ पंचम का योग बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ यदि आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हो तो निश्चित ही आप सफल हो जाओगे, आपको सक्सेस इस महीने देखने को मिलेगी। अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में भी स्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है नोक झोंक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वाणी दोष आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने ही स्थान में बैठे हैं, और ये दृष्टि डाल रहे हैं सीधे आपके वाणी स्थान पर, तो वाणी ऐसे में थोड़ी कर्कश हो जाती है, यानी तेज हो जाती है, और वाणी के चलते ही आप प्रेम संबंध में थोड़ी दिक्कत उत्पन्न कर सकते हो अगर आपने वाणी सही इस्तेमाल नहीं किया, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं परिवार से भी वैचारिक मतभेद आप कर लोगे। इसके अलावा अगर व्यापारियों की देखें तो व्यापार के मालिक होकर के मंगलदेव अपने स्थान से द्वितीय भाव पर बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि व्यापार से भारी मात्रा में आपके पास पैसा आएगा, चाहे आप छोटा सा व्यापार करते हो, छोटी सी आपकी दुकान हो या आपका बड़ा सा शोरूम हो, पैसा आपके पास धुआंधार पूरा महीने आता रहेगा, क्योंकि धन के मालिक हो करके धनेश मंगल अपने स्थान से सब सप्तम का योग बना रहे हैं, तो ऐसे में पैसा जातक हो या जातिका हो उसके पास धुआंधार आता रहता है। इसके बाद वैवाहिक जीवन यदि देखें तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, क्योंकि विवाह के स्वामी भी यहाँ पर मंगलदेव बन जाते हैं, तो ऐसे में अपने स्थान से द्वितीय जा रहे हैं, और जब भी कोई ग्रह अपने स्थान से द्वितीय बैठता है तो अपने पिछले वाले घर की रक्षा करता है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वाणी पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना होगा।
इसके बाद अगर आमदनी की बात करें कि आपकी इनकम कैसी होगी, तो सोर्स ऑफ इनकम के मालिक हो करके सूर्यदेव ये भी आप देख सकते हैं सप्तम का योग बना करके बैठे हैं। इसका मतलब पैसा आपके पास धुआंधार तरीके से आएगा भी और पैसा आपका बचने वाला भी है। और जब पैसा आएगा और बचेगा तो आर्थिक स्थिति आपकी पूरा महीना जाहिर सी बात है काफ़ी मजबूत बनी हुई दिखाई पड़ेगी। एक ही दिक्कत दिखाई पड़ रही है कि तीन ग्रह बुध, सूर्य और शनि, ये तीनों ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो आप खाना पीना यदि बाहर खाते हो, होटल वगैरह पे खाते हो, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। सात्विक आहार आप ग्रहण करेंगे तो पेट संबंधी दिक्कत आपको नहीं होगी। और यदि कोई पेट संबंधी आपको दिक्कत होती है मान लिया, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करोगे। अगर ऐसा जप आप करते हो तो यकीन मानिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य देखें तो लग्नेश आपके छठे भाव में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। स्वास्थ्य आपका पूरा महीना बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ अंत में अगर भाग्य की देख लें तो भाग्य मैंने बताया कि भाग्येश अपने स्थान से नवम बैठे हैं, तो भाग्य आपका 15 तारीख तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथ देगा, लेकिन 15 तारीख के बाद 4-10 का संबंध बना देंगे भाग्येश। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य ज़बरदस्त तरीके से पूरा महीना साथ देगा, क्योंकि ये छठे में बैठेंगे, भाग्य स्थान से दसम बैठेंगे। तो नौकरी आप करिए या व्यापार करिए, मेहनत करते जाइए, भाग्य आपके साथ है, पैसा आपके साथ है। इस महीने हर प्रकार के कार्यों में आपको विजय मिलेगी, महीना बहुत अच्छा है, इसको आप कैश करिए। अगर कहीं पर आपको निवेश करना है, नया कोई काम कारोबार शुरू करना है, अगर आप नया काम शुरू करते हैं बुधवार के दिन, तो विशेष सक्सेस आपको मिलने वाली है। ओवरऑल अगर देखें तो महाभाग्यशाली राशि है तुला मार्च 2023 में। कल मिलेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।